एक बहुत मशहूर गाना है जो शायद हम सभी ने सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक नई कहानी नई सीख के साथ फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक सुनिएगा और अगर आप भी इसके साथ सहमत हो तो अपने कॉमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। एक गाँव में एक कुमार रहता था, वो मिट्टी के घड़े मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। वहीं गांव के ही बाजार में उन्हें बेचता और उसी से उसके परिवार का खर्चा चलता था। एक दिन उसका एक मित्र शहर से आया। काफी समय बाद शहर से आया था तो शाम को दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। शाम को बैठे थे, बातचीत हो रही थी तो दोस्त ने कुमार से पूछा कि भाई कैसा चल रहा है सब। कुमार ने कहा कि प्रभु की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, इतना काम हो जाता है कि परिवार को दो वक्त की रोटी अच्छे से खिला पाता हूँ। दोस्त ने कहा कि भाई तुम इतना अच्छा काम करते हो, शहर क्यों नहीं जाते, वहां तो तुम्हारे काम के तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने परिवार का पालन पोषण और अच्छे से कर पाओगे। कुमार को बात अच्छी लगी और उसने शहर जाने का मन बना लिया। उसने सोचा कि अपने बेटे को भी साथ ले लेता हूँ, दो लोग रहेंगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी और बेटा भी कुछ सीख जाएगा। घर पर मशवरा किया और सबकी सहमति से जाने का फाइनल कर लिया। अब जाने का दिन तय हुआ, जरूरत का सामान लिया और निकल पड़े शहर की ओर। कुमार के पास एक गधा भी था तो उसने सोचा कि इसे भी अपने साथ ही ले लेता हूँ, सामान ढोने के काम में आएगा। जाने से पहले वो अपने उसी दोस्त से मिला जिसने उसे शहर जाने का आइडिया दिया था। दोस्त को मालूम था कि कुमार बहुत भोला है, इसीलिए उसने समझाया उसे, तुम पहली बार शहर जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना और लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत देना। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे, तुम बस अपने काम पर ध्यान देना और जो तुम्हें सही लगे वही करना। कुमार शहर की तरफ चल दिया। बहुत देर यात्रा करने के बाद वो शहर पहुंचे। बेटा काफी थक गया था इसीलिए कुमार ने उसे गधे पे बैठा दिया। कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, जैसे ही उन्होंने देखा तो आपस में बात करने चालू कर दिया कि अजीब जमाना आ गया है, कैसा बेटा है, खुद गधे पर बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। अब बेटे को भी थोड़ी शर्म आई और वो नीचे उतर गया। उसने अपने पिता को गधे पर बैठा दिया। कुछ ही दूर और चले थे कि कुछ और लोग मिल गए, बोले कैसा बाप है, बेटा पैदल चल रहा है और खुद गधे पर आराम से बैठ के जा रहा है। बाप को भी अजीब लगा तो उसने बेटे को भी साथ में बैठा लिया। अब फिर कुछ देर में थोड़ी दूर जाने पर और लोग मिले, वो अपनी बातें कर रहे थे, बोले कि कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे गधे पर जरा सी भी दया नहीं आ रही है, सामान भी लाद रखा है और खुद भी बैठे हैं। अब दोनों पिता और बेटा नीचे उतर गए, सामान खुद पकड़कर पैदल चलने लगे। थोड़ा ही आगे चले थे कुछ और लोग मिल गए और बोले कैसे बेवकूफ लोग हैं, गधे के होते हुए भी सारा सामान पकड़ के पैदल चल रहे हैं। अब उस किसान को अपने दोस्त की बात समझ में आई। दोस्तों ऐसे ही ये गाना मशहूर नहीं है और वास्तव में यही इस संसार का सच है। आप अपने जीवन में कुछ भी करें आपको आलोचना का सामना हमेशा करना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, अगर ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता, ये सब बातें अक्सर हम सभी सुनते हैं। सबका दिमाग, सबका सोचने का तरीका, चीज़ों को देखने का नज़रिया एक दूसरे से अलग होता है। हो सकता है जो बात हमें सही लगती हो वो दूसरे को सही ना लगे। मेरा सही दूसरे का गलत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि हमें किसी की सलाह नहीं लेनी चाहिए या लोगों की बातें सुनना बंद कर देना चाहिए, परंतु उन बातों पर तुरंत अमल करना भी ठीक नहीं है। आप सबको खुश नहीं रख सकते, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि औरों की बातों का हम पर या हमारे आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको आज की कहानी और उसकी सीख पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसी ही एक अगली कहानी में जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी सीखा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता।